जब मैं छोटा था, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जब से मुझे होश हुआ, मैंने बहुत गरीबी देखी। घर में पहनने को कपड़े नहीं होते थे, घर में खाने का बहुत तकलीफ था। कभी कभी 10 दिन 15 दिन पे हम देखते थे कि चावल और गेहूं का रोटी उस समय भी मिलता। वो समय मैंने देखा हुआ है कि समय आज किसी पड़ोस के घर से मांग के लाया जाता और तब जाके खाना बनता था। ऐसी परिस्थिति थी उस समय में। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, चार भाई, मेरे चाचा जी रेलवे में सिग्नल में थे। तो अगर बात करूं तो परिवार तो एक खुशहाल परिवार था, लेकिन मेरे पिताजी काम वाम कम करते थे, नहीं करते थे, और बस खाना पीना घूमना, थोड़ा बहुत नशा करना, शुरू में भांग वांग खाते थे, नशा करते थे, ताश वाश खेलते रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो उन सारे भाइयों ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं तो ये सुधर जाए। तो उन्होंने शादी करा दी, और जब शादी हुई मेरे पिताजी की, उसके बाद हम चार भाई हुए। बाकी मेरे जितने भी चाचे हैं, उन सबको एक एक लड़का है, लेकिन हम कितने भाई हो गए? चार। तो खाने वाले घर में हो गए 6 और कमाने वाले कुछ नहीं। वो कहते थे, एक तो जमीन भी अपने पास बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि अंगूठा लेके धान रोपेंगे तो कितनी खेती करेंगे। धान तो अंगूठे से ही रोपा जाता है सब। तो इस वजह से हमारे घर में गरीबी थी, हमारे घर में तकलीफ थी। हमारी माँ भी सीधी सादी थी, बहुत सीधी। आज भी कभी आप लोग बड़े मीटिंग में भीलवाड़ा वगैरह में जाएंगे तो मैं अभी भी उनको लेके जाता हूँ। 72 साल उम्र है उनकी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं माँ के साथ रहता हूँ। माँ के साथ रहने का मौका मिलता है, और माँ के साथ साल में कम से कम 2-3 महीने तो तीर्थाटन घूमने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे तीर्थ मैंने किए हैं माता जी के साथ में, क्योंकि मैंने उनकी बहुत तकलीफें देखी है बचपन में, बहुत तकलीफें देखी है बचपन में। वो मुझे मारती भी बहुत थी, इसलिए मारती थी क्योंकि जहां दरिद्रता होती है ना, जहां भूख होती है ना, वहां पे मारपीट होती रहती है। तो मैं भूख से रोता तो वो ही क्या करती, वो कहां से लाके देती। हम लोगों में एक परंपरा जो शुरू से थी, अब तो वैसी नहीं है, लेकिन शुरू से थी कि ब्राह्मण लोग जो है वो किसी के घर पे नौकरी नहीं करते, किसी के घर में बर्तन चौका भी नहीं कर सकते। इसके वजह से मेरी माँ भी कहीं कुछ कर नहीं सकती थी, उसके हाथ में कुछ था नहीं। हमारे यहाँ खेतों में महिलाओं के जाने की परंपरा नहीं थी, तो इसलिए वो खेतों में भी नहीं जा सकती थी। मैं बच्चा था, जलावन के लिए हम लोगों के यहाँ एक झाड़ू, जिसको खर्रा बोलते हैं, बांस का झाड़ू होता है, वो लेके बगीचे में जाता। रोज का काम था अपना कि सरकारी स्कूल से आने के बाद में वो खर्रा लेके और बगीचे में जाना, और वहां से पत्ता खरड़ के लाना ताकि रात का भोजन करे। और मैं गलतियां बहुत करता, बगीचे में गया और कभी खेल में लग गया, उस दिन मुझे बहुत मार खानी पड़ती, इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरे चारों भाई को भूखे सोना पड़ता। जाड़े के महीने में जब गोभी होता है, फूल गोभी होता है, अब तो 2400 महीने 12 महीने होने लगा, लेकिन पहले जाड़े के महीने में होता था। तो जाड़े के महीने में हम लोगों का जो है वो परमानेंट खाना होता था, गोभी के पत्ते को उबाल, परमानेंट। सुबह ही सुबह जाओ, वो हम लोग गांठी बांधते थे उस समय में, गमछा को बांध दिया जाता था जी, और छिछुड़ते हुए जाते थे खेत के किनारे, जाके खड़े हो जाते थे। खेत वाला पहले गोभी काटता था, फिर उसमें से पत्ता निकालेगा, तब तक खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि उसके नजदीक वैसे जाते तो डांट भी देता था, नहीं क्या है, चलो अभी काम कर दे।
तो जब तक इंतजार करना पड़ता था, जब तक वो पत्ता काट के वहां से हट नहीं जाता था, उसके बाद उसमें से मुलायम मुलायम पत्ता चुनते थे और उसको लेके घर आते थे और फिर घर पे वो उसको उबाला जाता था। फिर उसके आलू के समय में आलू का साग चलता था महीनों भर, दो दो महीने, तीन तीन महीने। जिसके खेत में आलू उखड़ता उसके खेत में जाते और वहां से आलू का साग। जो रेलवे में थे उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही, मैं उनका बड़ा लाडला था। और जब भी वो नौकरी से आते थे ना, मुझे इंतजार रहता था कि वो कब नौकरी से आए, क्योंकि वो जब भी आते थे उस दिन मैं भरपेट खाना खाता। वो जब भी आते थे तो अपने उनको जो खाना हमारी चाची देती थी, तो वो पहले अपने से खाना को सान के, और वो एक कटोरा होता था, जो कटोरा लेके मैं जाता था उस कटोरे में वो डाल देते थे। मेरी चाची कहती भी रहती थी कि छोड़ दीजिए, अब क्यों डाल रहे हैं। तो वो कहते थे कि मुझे पता है कि इसका पेट कितने में भरेगा। आप सोच सकते हैं जिस तरह से एक पत्नी एक पति का इंतजार करती रहती है जिसका पति बाहर रहता है, से एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करती है, उसी तरह से मुझे उनका इंतजार रहता, क्योंकि वो जिस दिन आते थे उस दिन मैं पेट भर के खाना। अगर आज किसी के समझ में आरसीएम नहीं आ रही है ना सर, तो इसका एक ही कारण मैं मानता हूं कि शायद आपने तकलीफें झेली नहीं। क्योंकि अगर तकलीफ झेल जाएंगे ना सर, तो दुनिया में एक ही चीज है जो तकलीफ से दूर कर सकती है, वो है आरसीएम। दुनिया में हजार समस्याओं का केवल और केवल एक उपाय है, वो है आरसीएम। आज मेरे वो चाचा जी अभी भी जिंदा है, 90 साल उनकी उम्र है, और भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं उनका सारा कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता है और मुझे उनकी सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। मैं एक चीज सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आप भले ही किसी को खुशी करें या ना करें, लेकिन अपनी जवान से अपनी बातों से अपने माँ बाप और अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान ना करें और कभी उनको तकलीफ ना पहुंचाए। क्योंकि अगर उनको तकलीफ पहुंची ना सर, तो आप कुछ भी आरसीएम का बाप कर लेंगे तो भी आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। आज मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं अपने मां बाप का वो हर सपना पूरा कर सकूं जो उन्होंने देखा है। और ये आरसीएम बिजनेस है जो हर सपना पूरा करने में मदद करती है। पढ़ने में मैं बहुत कमजोर था, मैट्रिक किसी तरह से मैंने पास किया। पिताजी मेरे बाद में पंडिताई का काम करने लगे, बाहर चले गए, दिल्ली मेरठ चले गए, वो मेरठ में रहते थे। बाद में वो मुझे भी लेके चले गए, क्योंकि घर पर मैं बहुत बदमाशी करता था, तो वो मुझे लेके चले गए। वहां पे पढ़ाई लिखाई शुरू की, लेकिन मैं पढ़ाई में शुरू से कमजोर था, तो कमजोर ही रहा। लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े बड़े, सपने कभी मेरे कमजोर नहीं हुए। मैट्रिक में ग्रेस से पास हुआ, उसके बाद भी इंटर में मैंने साइंस रख लिया और इंटर में मैं फेल हो गया। वहां कल्याण सिंह की सरकार थी, चोरी चली नहीं तो मैं फेल हो गया। अब जब मैं फेल हो गया तो पिताजी माताजी का एक ही कहना था कि घर में सबसे बड़े हो, इसलिए अब पढ़ाई लिखाई बंद करो, कहीं पे नौकरी करो। और मेरा मन था कि ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं गांव चला जाता हूं, बिहार चला जाता हूं, और मैं वहां पे एक दो साल मुझे दीजिए, मैं इंटर कर लेता हूं, फिर उसके बाद नौकरी करूंगा। वहां से मैं फिर बिहार आ गया, मधुबनी आ गया, और अपने गांव में ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ने लगा। जब मैं इंटर में था तो मेरे पास में साइकिल नहीं थी, मेरी फूस की एक झोपड़ी होती थी,
इंटर मैंने पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, क्योंकि लालू जी की कृपा थी पूरी छूट की चोरी करने की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार लालू जी का भी, जो दूसरे के लिए क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और समय का चक्र घुमा, उसके बाद मैंने बीएससी करने का प्रयास किया, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, मैं कभी छोटा सोचता ही नहीं था। और बीएससी मैंने दो पार्ट दिया, दोनों पार्ट में मैं फेल हो गया, क्योंकि बीएससी में चोरी नहीं चलती, तो मैं दो पार्ट किया, दोनों में फेल हो गया। तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रकृति का कुछ चक्र ऐसे घूमा, एक बार मेरी माता जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वो एक एक्सरे वाले के पास गई और उन्होंने उस एक्सरे वाले से बोला कि बोवा मेरा बेटा जो है वो इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किया है साइंस से, कुछ काम हो तो बताओ। तो उसने कहा कि माता जी उसको बुलाइए आप, मैं उसको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से वो डिप्लोमा कर लेगा और वो बड़े काम का आदमी बन जाएगा। और मेरी माता जी ने, पिताजी ने मुझे बुलाया और मैं दिल्ली के महिपालपुर में एक इंस्टीट्यूट है IPNH&H, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, वहां से मैंने डिप्लोमा किया लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। मार्क बेस्ट पे हो गया इसलिए वो मिल गया, लेकिन वो पढ़ाई मैंने बहुत लगन से किया, 2 साल की जो वहां की पढ़ाई थी वहां मैंने बहुत लगन से पढ़ाई किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पे मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर मैं निकल गया जॉब ढूंढने। लेकिन जॉब में बड़ी मशक्कत थी, मशक्कत इसलिए थी क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, बड़े सपने वाले को कभी जॉब नहीं मिलती, मिल भी जाती है तो छूट जाती है। एक समय ऐसा था मेरे ऊपर सभी लोगों ने एक टैग लगा दिया कि तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि तू कहीं टिकता ही नहीं है। और मैं टिकू कैसे? मुझे कोई अपने लायक काम मिले तब तो टिकू। तो मैं फिर से एक बार दिल्ली से बिहार आ गया अपने माता पिताजी को यह कह के कि मैं जाके सब कुछ कर दूंगा। वहां से आया तो कुछ आयुर्वेद की दवाएं वहां से ले आया एक कंपनी की और उसको बेचने लगा। और बेचते बेचते एक जगह बाबूबरी है जहां मेरा आज नर्सिंग होम चल रहा है, वहां मैंने अपनी एक जांच घर डाली और फिर मैं जांच घर चलाने लगा। और 2005 ईस्वी में मेरे जीवन में खुशी और दुखों का संगम एक साथ हुआ। मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने से जस्ट पहले मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस समय तक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ नहीं समझ सकता था, अकल धीरे धीरे आती है। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने पूछा कि किसी को कितना दिन जीना चाहिए, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि जब तक उसके पोते की शादी ना हो जाए, क्योंकि बेटे की शादी में तो बेटे को पता ही नहीं होता है बाप को कि करना क्या है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, जब पोते की शादी की बारी आती है तब पता चलता है कि वो बताता है कि बेटा ऐसे कर, ये कर, ऐसे किया जाता है। तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। मैं 4 भाई हूं, 2 भाई अभी भी मेरठ में, एक मेरठ में, एक गाजियाबाद में, एक पंडिताई का काम करता है, एक कंप्यूटर का सेंटर चलाता है। और हम 2 भाई यहाँ बिहार में हैं, एक भाई जो नर्सिंग होम है उसको पूरा संभालता है और मैं RCM करता हूँ और मेरा स्कूल भी चलता है। उस नर्सिंग होम से भी एक अच्छी खासी कमाई है क्योंकि उसमें जांच घर है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उससे इनकम आती रहे। 2007 ईस्वी में ये RCM बिजनेस मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले मुझे लोगों ने RCM या MBA या मोदी केयर नहीं समझाया था। रोज कोई ना कोई आता था समझाने के लिए, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ लेता था। मैं कहता था भैया ये चिट फंड कंपनी हमें नहीं करनी। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको कहते होंगे कि ये चिट फंड कंपनी मुझे नहीं करनी। आज से समझ जाना पीके पाठक है वो, उस पर नजर रखना शुरू कर दीजिए अगर किसी आदमी ने आपको ऐसा कहा है। मेरे से जो भी कहता था कि ये चिट फंड मतलब आप RCM कर लीजिए सर, मीटिंग में चलिए सर, तो मैं उनसे पूछता था कि आप कितना कमा लेते हो, तो वो कहता था कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 6,000, कोई 10,000। और मैं उस समय
क्योंकि अपना जात घर भी चलता था और मैं नौकरी भी करने लगा था, तो मैं 15-20 हजार रुपए कमा लेता था। तो कमाई का तो इको होता है ना सर, सबको इको होता है क्या। अभी हमारे बीच में मास्टर साहब हैं जिन्होंने कहा कि मैं टीचर भी हूँ और इस बिजनेस को भी करता हूँ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले को तो वैसे ही समझ में नहीं आती। और इसी तरह से मुझे भी, मैं समझने क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। बहुत सारे आदमी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे सर मैं आरसीएम नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं आरसीएम नहीं कर सकता हूं। अब ये जवाब ही ऐसा है कि आदमी कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है कि चलिए छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में बैठा होगा कि सर अच्छा मेरे भाई है, मेरे वो है, साले हैं, वो तो इंजीनियर है, वो तो नहीं करेगा, ऐसा होता है। जबकि उसका जवाब क्या होना चाहिए कि सर मैं नौकरी करता हूं, क्या मैं भी आरसीएम कर सकता हूं। मैंने इस बिजनेस में आके यही सवाल अपने गुरुदेव आदरणीय गोपाल चौधरी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सर अगर मेरे पास भी समय होता तो मैं भी आरसीएम करता, मेरे पास समय नहीं है तो मैं आरसीएम कैसे कर सकता हूं। तो मैंने उनसे सवाल क्या किया, मैं आरसीएम कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप कपड़ा पहनते हैं सर। मैंने कहा कि पहनता हूं, सभी लोग पहनते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी। उन्होंने कहा कि सर आप नमक खाते हैं, आप चाय पीते हैं। सारी बातें पूछने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर आप आरसीएम करेंगे तो आप करेंगे क्या। तो मैंने कहा कि सर क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा, आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आप प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं। मैंने कहा जी सर ये तो ठीक है, प्रोडक्ट तो खरीद ही रहा हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार चेक कीजिए कि आपका कुछ समय जो 24 घंटे का समय है ना, उसमें से एक घंटा जरूर आप कुछ ना कुछ करके बिताते हो। तो मुझे याद आया कि जब हम लोग जांच घर में रहते हैं और शाम के समय में जब पेशेंट नहीं रहता है, उस समय में वीसीआर होता था, वीसीआर देखते थे हम लोग 1-2 घंटा। तो मुझे याद आया, मैंने कहा कि हाँ सर ऐसा तो है, 1-2 घंटा तो जरूर अपना खराब होगा, मतलब उसमें हम इंटरटेनमेंट करते हैं, पूरा दिन काम किए तो चलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। तो सर क्या उस समय को हम यूज कर सकते हैं। तो सर ने कहा एकदम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जो काम करते हैं क्या वो काम आप कोट पैंट पहन के कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर मैं जांच घर में काम करता हूं तो कोट पैंट पहन के भी कर सकता हूं, ऐसा तो उसमें कोई काम है नहीं कि कोट पैंट पहनूंगा तो नहीं होगा। वैसे भी जो मेडिकल के लोग हैं वो व्हाइट गाउन सफेद कलर का कोट तो पहनते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तब समझिए कि आपका आरसीएम चल गया। और मैं कोट पैंट पहन के और इस बिजनेस को करने लगा। लेकिन अभी एक बात अधूरी है कि मेरे समझ में ये बिजनेस कैसे आया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस मेरे समझ में कैसे आया। एक दिन एक बैंक मैनेजर का लड़का जो मेरा पड़ोसी था, वो आरसीएम करता था, वैसे वो मुझे कई बार बताने का प्रयास किया उसने, लेकिन मैंने उसको अपने नजदीक कभी आने ही नहीं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको नजदीक ही नहीं आने देंगे, मतलब उसकी नजरों को देख के ही आपको लगेगा कि कुछ भी करे इसके पास नहीं जाऊंगा, समझ जाना वो बीके पास है। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा कंपाउंडर बैठा हुआ था, मैं केबिन में था, वो बाहर था, और वो पेशेंट नहीं थे उस समय क्लिनिक पे, वो पंकज सिंह, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। पंकज सिंह नहीं आता तो पता नहीं मैं आरसीएम में होता कि नहीं होता। वो मेरे कंपाउंडर को आरसीएम बताने लगे। अब मैं भी अंदर में था, अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज बताने देते हैं, बता लेता। तो
तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने महंगाई का ग्राफ बताया, जो आप लोगों ने कई बार ये देखा भी होगा। उन्होंने बताया कि 1920 ईस्वी में जिस व्यक्ति के पास एक रुपए महीने का इनकम होता था, वो व्यक्ति क्या होता था? अमीर होता था। क्या होता था? अमीर होता था। अमीर होता था। जिसके पास में एक रुपए महीने का इनकम होता था वो व्यक्ति अमीर होता था।